दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको किस तरह का बैग बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है, तो उसका माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है और इधर 10 इंच का लिया है मैंने। तो इसी तरीके से ऊपर की साइड में प्लास्टिक लगाऊंगा, तो उसका माप भी वही है। और ये पीछे वाला पार्ट है वो मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, प्लेन है, तो उसका माप भी सेम वही है। और उसके अंदर 3 अस्तर आएगा और उसका माप भी वही है। और अंदर की साइड में ये रबर शीट डालूंगा, उसको रेगजिन भी कहते हैं, और वो 2 लेनी है हमें। तो मैं ये अंदर पॉकेट लगाऊंगा, तो उसका माप मैंने यहाँ 5 इंच लिया है और इधर 8 इंच लिया है। और अब ये उसकी जीप है, तो उसकी जीप भी मैंने 8 इंच की ली है। और हम साइड में जो जीप लगाएंगे उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है, और ऊपर की साइड जीप लगाएंगे उसका माप भी मैंने 10 इंच का लिया है। और हम साइड में जो जीप लगाएंगे उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है, और ऊपर की साइड जीप लगाएंगे उसका माप भी मैंने 10 इंच का लिया है। और ये जीप पट्टी बनाऊंगा, तो उसका माप मैंने यहाँ 2.5 इंच का लिया है और इधर 10 इंच का लिया है मैंने। और अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करके 2 पट्टी बना लेंगे। और अब मैं ये रबर शीट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगा देता हूँ, और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। और यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये पीछे वाला पार्ट है उसको भी इसी तरह से मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ, पहले रबर शीट और उसके ऊपर ये गोल्डन फैब्रिक और ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन। और इसको भी कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ मैं जिप लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और ये जीप यहाँ लगा देनी है, और ऊपर की साइड ये अस्तर भी लगा देना है। और एक ऊपर सिलाई कर देनी है हमें। यहाँ से अस्तर हम कटिंग कर लेंगे। और इस पट्टी के ऊपर ये जिप लगाते वक्त ये ऊपर का अस्तर हम जोड़ देंगे।
तो इस तरह से ये पॉकेट बना लिया है मैंने। और अब मैं ये जीप पट्टी बनाऊंगा, तो पहले इस जीप को यहाँ एक ऐसी पट्टी लगा देंगे, रनर निकल ना जाए इसलिए। और अब इस जीप को इस अस्तर के ऊपर लगा देंगे, तो हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से भी 1 इंच छोड़ देंगे हम, और ये जीप लगा देंगे। और यहाँ से जीप इस तरह फोल्ड करके अंदर की साइड ले लेनी है और ऊपर की साइड सिलाई कर देनी है हमें इस तरह से। तो इसी तरह भी हम सेम इसी तरह से हम से जीप लगाएंगे। और अब यहाँ ये पट्टी लगा देंगे। और उसको ऊपर की साइड सिलाई कर देंगे। और इधर भी एक पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने जीप पट्टी बना ली है। और अब ये 2.5 इंच की ये पट्टी लेंगे, और इधर मैंने 7.5 इंच का माप लिया है। और उसको हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। और इस पट्टी को हम यहाँ लगा देंगे, जिप लगानी है इसलिए। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और इसको हम ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड पलटा लेंगे। और अब यहाँ मैं ये जीप लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने जीप लगा दी है। अब ये पॉकेट है अस्तर का, वो मैं यहाँ डाल दूंगा और ऊपर सिलाई कर दूंगा।
तो इस तरह से पॉकेट लगा दिया है मैंने। और अब ये मैं ढक्कन बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैंने ये फाइबर शीट ली है और उसको इस तरह से मैंने राउंड शेप से कटिंग किया है और उसका माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है और इधर मैंने 3.5 इंच का लिया है। और उसके ऊपर मैं ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगाऊंगा और ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा और अंदर की साइड ये गोल्डन कपड़ा लगाऊंगा। तो इन सभी का माप सेम वही है और ये रबर शीट भी अंदर डालूंगा। तो मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वर्क के फैब्रिक के ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है और अब यहाँ मैं ये फाइबर शीट लगा दूंगा। और इसको हम कटिंग कर लेंगे। और अब मैं यहाँ एक ऐसी पट्टी लगा देता हूँ गोल्डन, पाइपिंग करनी है। और इसको हम इस तरह फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। ये रबर शीट है, उसके ऊपर ये ढक्कन रखकर हम ढक्कन के हिसाब से हम निशान कर देंगे। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और अब इस रबर शीट को हम ये गोल्डन कपड़े के ऊपर लगा देंगे। इस तरह से गोल्डन कपड़े को हमें फोल्ड करके सिलाई कर देनी है।
इस तरह से बना लेना है हमें। और अब हम इसको फोल्ड करके सेंटर में निशान कर लेंगे और यहाँ मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह रखकर। तो इस तरह से ये ढक्कन बन गया है और यह मैग्नेट बटन भी लगा दिया है। और अब इस ढक्कन को हम पीछे वाला पार्ट है वहाँ जोड़ देंगे, ये जीप वाला पार्ट है यहाँ। तो यहाँ हम ये जीप पट्टी लगाएंगे और जीप पट्टी हमने जो ये पॉकेट बनाया है वो पट्टी हमें यहाँ लगा देनी है। और एक ऊपर की साइड सिलाई कर देनी है। और अब ये एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला पार्ट है उसके ऊपर ये जिप लगा देंगे। और यहाँ भी हमें एक ऊपर से एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैंने ये जीप लगा दी है। और ये अस्तर हम यहाँ जोड़ देंगे।
और अब मैं यहाँ ये पाइपिंग लगा दूंगा, और ये पाइपिंग रबर की है, और ये पाइपिंग के ऊपर मैंने ये गोल्डन पट्टी लगाई है। और यहाँ राउंड शेप में पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ मैं ये पट्टी लगा देता हूँ, ये गोल्डन की पट्टी बनाई है मैंने। और अब हम इन दोनों पार्ट को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ दिया है। अब इसको हम पलटा लेंगे। और अब हम यहाँ ये मैग्नेट बटन लगा देंगे। ये मैग्नेट बटन तो हम यहाँ पहले निशान कर लेते हैं।
और अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूले और शेयर भी कर देना।